बार तो परियों ने मुझे रोक लिया था, पर आज आज मैं इन पहाड़ों का लावा बाहर निकाल कर ही रहूंगा। मेरी योजना का पहला चरण कामयाब हुआ, अब बारी है दूसरे चरण की। जाओ शातिर भाई, जैसा मैंने कहा वैसा करो। याद है ना अच्छी तरह से कि क्या करना है? अच्छी तरह से महाविनाश। अच्छी बात है, अब देखते हैं कि परियों को मेरे इस जाल से कौन बचाता है। सिर्फ कुछ बूंदे भी और उसमें तो इतनी ताकत आ गई कि उसने पूरी की पूरी दो ईंट एक फटके में तोड़ दी। ओए बेवकूफ, उन जोकरों की कोई ट्रिक होगी। नहीं बॉस, कोई ट्रिक विक नहीं थी, मेरा यकीन करो। अबे तेरा कैसा यकीन करूं? मेरा यकीन करो बॉस, मेरे से स्मार्ट है। दूसरी अंदर को नील, अरे क्या हो गया? बॉल गाड़ी के नीचे चली गई। अगर झुक कर निकालूंगा तो यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी यार, कुछ करना प्लीज। अरे बस इतनी सी बात, तू मुझे एक मिनट दे। अब उठा ले। गई, रख दूं नीचे? हाँ रख दे। अगर तू मुझे सिरप ना देता तो ये सब पॉसिबल कैसे होता? थैंक्स तो मुझे तेरा करना चाहिए। अब बोलो बस। मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे उस पिट्टी में इतनी ताकत कैसे आ गई? वो पिट्टी तो एक सब्जी का थैला नहीं उठा पाता था, आज इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी उठा ली उसने। ये सब कैसे? ये सब इसी सिरप का कमाल है जो इसने मेरे सामने पिया था। आज तक मैंने ऐसे कोई सिरप का नाम भी नहीं सुना है। बॉस, वैसे तो मैंने भी एक इंसान के शरीर में कभी गेंडा नहीं देखा, पर आपको देख रहा हूँ ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मोंटू बॉस, मैंने भी आज तक ये थोड़ी देखा था, पर आज देख लिया ना। गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलकर देख के, मुझे तो डाउट है गड़बड़ है करके। चल चलो बस।
अरे क्या देख रहा है? यही कि जिसका चेहरा पहले से ही इतना मनुष्य है वो और मनुष्य क्यों लग रहा है? क्या कहा? बॉस आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये पता है क्या प्रॉब्लम है? वो पिग्गी, वो चूजे, इनके आज तक मेरे सामने नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, आज मेरे सामने गाड़ी उठा रहे, वो भी एक उंगली से। यही प्रॉब्लम है बॉस। यही सोच सोच कर तो मैं भी टेंशन में हूँ। ये अब क्या होगा? उसका आपका? हाँ? ऐसे तो नील आपको बॉक्सिंग रिंग में पीट पीट कर मारेगा, मार मार के धोएगा, और फिर पूरे स्कूल के सामने आपकी इज्जत का ऐसा कचरा होगा, ऐसा कचरा होगा कि आपको समेटने के लिए पूरे स्कूल के डस्टबिन कम पड़ जाएंगे। अरे नहीं, मोड़ दे इसको। और तुम दोनों देखना नील कैसे यूं यूं रॉड को मोड़ देगा। अगर नील चाहे तो ट्रेन मोड़ सकता है, एरोप्लेन मोड़ सकता है, चाहे तो टैंक मोड़ सकता है। क्यों रह गई ना आके फटी फटी मुनीश? हाँ, और मोड़ डाल, दूसरी रॉड भी मोड़ डाल। अरे मेरी बात तो सुन। ये सुनने सुनाने का टाइम नहीं है, ये टाइम है लोगों के आंखें खोलने का। अबे मेरी बात सुन यार, क्या है? तुम्हें वो ये कहना चाहता है कि वो रॉड मोड़ नहीं पा रहा है। क्या? लगता है गलती से मैंने इसे नकली रॉड की जगह असली रॉड दे दी। मोंटू बॉस, लगता है नील के सिरप का असर खत्म हो गया। अरे नील मेरे भाई, जरा मुड़ के दिखा। हाँ, हम कब से इंतजार कर रहे हैं उसका, दिखा दिखा। नील, लगता है अब हमारी पोल खुल के रहेगी। हमें अग्निकाल को पकड़ने के लिए कुछ करना होगा, वरना ये क्या हो रहा है रानी परी? अचानक से इतनी गर्मी? हाँ रानी परी, अचानक शरीर तपने लगा है, लग रहा है जैसे जैसे पूरे शरीर से आग निकल रही है। ये सब क्या हो रहा है रानी परी? हाँ परियो, हम भी इस जलन को महसूस कर पा रहे हैं, और ये पसीना, हमें पसीना क्यों आ रहा है? परियो को तो कभी पसीना नहीं आता। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी। डूबा डूबा एक, आप सब इतना चला क्यों रहे? रानी परी बताओ क्या मैं आपको हो गए? रानी बाग की जमीन इतनी गर्म कि रखते ही पैर जमीन पर है, लग रही पैरों को गर्म भाप। और तो रानी परी हो गया नदी का पानी इतना गर्म कि उबल रहा जैसे हो कोई खोलता तेल। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.